हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट मार्केट मेरठ में एक क्रिकेट बॉल फैक्ट्री में। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्रिकेट बॉल कैसे बनती है फैक्ट्री में, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है एक बॉल को बनाने का। और अगर आप सीधे फैक्ट्री से बॉल खरीदना चाहते हो तो किस रेट में मिलती है, मतलब क्या क्या प्राइजिंग वगैरह रहती है, तो इस बारे में वहाँ चलकर पूछते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं मार्केट में। फैक्ट्री के ओनर, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है और मेरी फर्म का नाम हीरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज है जी। और हम लोग क्रिकेट लैडर बॉल बनाते हैं जिसमें हम स्पेशलिस्ट हैं, और करीब करीब हम लोगों को 70 साल हो चुके हैं, 70 से 80 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरे दादा मेरे फादर इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग से, और आज के टाइम में हम लोग काफ़ी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड हैं जैसे कि स्लेंजर हो गए, रीडर्स हो गए, पीमा हो गए, जी एम हो गए, जिनके साथ हम कई सालों से जुड़े हैं, जिनकी मैनुफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं। और सर लैदर बॉल में कौन कौन सी कलर की बॉल बनती है यहाँ पे? हमारे यहाँ पर पिंक बॉल बनती है, रेड बनती है, वाइट बनती है, जो कलर आपको चाहिए वो सारे कलर हमारे। और सर कितने रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है बॉल की? एक टू पीस की बॉल जो हमारे यहाँ स्टार्टिंग है वो लगभग 100 रुपये से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, और हमारे पास करीबन 1,050 रुपये तक की बॉल। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए कुछ इस तरह का लैदर आता है और इस पर कलर करते हैं। यहाँ पे रेड बॉल के लिए रेड कलर, मतलब जैसा भी कलर देना हो बॉल को उसी हिसाब से करते हैं ना। उसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है 5 से 6 दिन के लिए, और लैदर को सूखने के बाद यहाँ पर इसकी कटिंग होती है कुछ इस तरह से। और ये कितने पीस चाहिए एक बॉल को बनाने के लिए? एक बॉल को बनाने के लिए 4 पीस चाहिए जी। 4 पीस को जोड़कर एक बॉल बनती है। हाँ जी, प्रोसेस जी। और सर ये बताइए कि ये धागा किस चीज़ का बना होता है जी, कौन सा धागा होता है? नायलॉन और कॉटन का जी। नायलॉन और कॉटन का क्या काम होता है भैया? कटिंग। सर ये गोला किस चीज का बना होता है जी? कॉर्कवुड का होता है। यहाँ पर इसकी सिलाई होती है, बॉल ऐसे निकल के आता है जी, इसी के अंदर इसकी आउटर स्टिचिंग है। और सर यहाँ पे क्या काम होता है जी? बॉल यहाँ पे राउंडिंग होती है, बॉल की शेप की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है जी, कलर होता है इन पे? ये पॉलिश होती है। पॉलिश होती है जी। छोटी बॉल ये कितने रुपये की आती है जी? ये 50 रुपये की। 50 रुपये की एक है। ये कैसे, मतलब बच्चों के लिए होती है जी? ये नहीं, वैसे ही लोगों के लिए, छल्ले छल्ले गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी में टांगने जैसे। और सर ये बॉल का गोला जो होता है आप खुद ही बनाते हो? हैंडमेड गोला जी, हैंडमेड गोला है। ये एक्सपोर्ट होता है अच्छे अच्छे ब्रांड, जैसे पीमा हो गया, स्लेंजर हो गया, रीडर्स हो गया, कुकुबुरा हो गया जी, और ग्रेनिकल्स हो गया, जीएम हो गया, ऐसे ब्रांड्स के में ये गोला एक्सपोर्ट किया जाता है। 3 से 4 महीने के लिए सुखाया जाता है यहाँ पर, जिससे इसका मॉइस्चर सारा खत्म हो जाए। इसके पॉलिश और लोगो लगने के बाद बॉल कुछ इस तरह की दिखती है। सर इनके प्राइस ओवर के हिसाब से भी तो होते हैं? हाँ, ओवर के हिसाब से प्राइसिंग होती है। 20 ओवर 20 हमारी जैसे क्वालिटीज है, 20 है जी, 50 है जी, 70 है और 100 है। होलसेल और रिटेल के प्राइस अलग अलग होते हैं? होलसेल और रिटेल के प्राइस अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारी जो है ये होलसेल यूनिट है। यहाँ पर कोई 10 बॉल लेने आए चाहे 10,000 बॉल लेने आए, सबके लिए प्राइस है। प्राइसिंग है सबके लिए। अगर किसी को ऑनलाइन मंगानी हो तो कैसे मंगा सकते हैं? ऑनलाइन हम अमेजोन पे और भी काफ़ी साइट्स हैं जिसपे हमारा ऑनलाइन बॉल्स हमारा चलता है जी। नहीं तो अच्छी क्वान्टिटी हो, ठीक क्वान्टिटी हो, तो वो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे गूगल पे, ऑनलाइन पे हमारे नंबर से कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं।